धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में जवाब देंगे पीएम मोदी। लोकसभा में कांग्रेस पर बोला था हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के चल रहे बजट सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को प्रस्ताव पर आखिरी स्पीकर के बोलने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री कल दोपहर 2 बजे जवाब देंगे। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस बुधवार को खत्म हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। इससे पहले बुधवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में जवाब दिया था। इस दौरान उन्होंने विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस कार्यकाल की कमियां गिनाते हुए सिलसिलेवार अपनी बात सदन में रखी। वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी के जवाब में अदाणी का कहीं जिक्र नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि पीएम ने किसी मुद्दे पर जवाब नहीं दिया। अदाणी मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को कुछ नहीं बोला। लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी सभी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जानिए पीएम ने लोकसभा में क्या क्या कहा। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा, जो कभी यहाँ बैठते थे वह वहाँ जाने के बाद भी फेल हुए और देश पास होता गया। मैं भी यात्रा लेकर कश्मीर तक गया था, लाल चौक पर तिरंगा लहराने का संकल्प लिया था। अब आतंकियों ने पोस्टर लगाए थे कि देखते हैं कि किस में हिम्मत है और किसने अपनी माँ का दूध पिया है जो यहाँ आकर तिरंगा लहराता है। तब मैंने कहा था कि आतंकी कान खोलकर सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुँचूंगा, बिना सुरक्षा बिना बुलेट प्रूफ जैकेट आऊंगा और फैसला लाल चौक पर होगा कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है। श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया। तब मीडिया के लोग सवाल करने लगे कि पहले यहाँ ऐसा नहीं होता था, आज वहाँ ऐसी शांति है कि वहाँ चैन से जा सकते हैं। अखबारों में खबर आई थी कि जिस पर ध्यान नहीं गया होगा, लोग टीवी में चमकने की कोशिश में लगे थे। उसी समय श्रीनगर के अंदर दशकों बाद थिएटर हाउसफुल हो गए और अलगाववादी दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। मुसीबत के समय मोदी उनके काम आया तो आपके आरोपों पर वे कैसे भरोसा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दिया है। देशवासियों का जो मोदी पर विश्वास है वह इनकी समझ के दायरे से बाहर नहीं है।